बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अमीर, फाउंडर ऑफ हम कराची। जैसे आपको पता है कि हम कराची एक चैरिटी सोशल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 6 से 8 महीने से हम काम कर रहे हैं, और इसमें हमने जो है काफ़ी अपने जो है वो इस तरह के काम चैरिटी के राशन के हवाले से और हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से और बहुत सारी ऐसी दूसरी अपने कराची के जो इश्यूज़ हैं उसके पर हमने बहुत सारे अपने इन चीज़ों को शामिल किया हुआ है, जिसके पर हम रोज़मर्रा के हिसाब से काम कर रहे हैं। राशन के हवाले से जो है वो हमने काम जो है बहुत अच्छी तरीके से हमारा चल रहा है, हो रहा है, और हमारी अपनी खुद की भी जो है वो राशन की जो है वो पिक एंड ड्रॉप अपने राइडर सर्विस भी मौजूद है। इसमें हम लोग ये चीज़ करते हैं कि अगर कोई हमें राशन अगर हमें देता है तो हम वहाँ से राशन लेके और जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ तक हम जो है उस राशन को पहुँचाते हैं। अच्छा, अब ये इसमें कुछ लोगों के सवाल आ जाते हैं कि आप किन लोगों को जो है वो अपने राशन देते हैं या किन लोगों के अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को जो है वो आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें इस तरीके से ये है कि जितने भी हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके रेफरेंसेस के ऊपर और हमारे खुद के अपने रिसोर्सेज के ऊपर हमें बहुत सारी ऐसे अपने जो है रिक्वेस्ट मिलती रहती हैं कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं पे भी ना जाना पड़ा और ना ही हमें ढूंढना पड़ा, क्योंकि जब ये चीज़ हमारी हम कराची लॉन्च हुई है तो उसके बाद से हमें इतनी सारी चीज़ें, इतने मसले मसाइल, इतनी अपनी ऐसे इश्यूज प्रॉब्लम्स हमें इतनी सारी अपने मिली हैं कि हमें कहीं पे भी समझे कि एक तरीके से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उन लोगों की तावुन से हम इन सारे मराइल से गुजरते चले आए हैं। तो ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं। वो मुस्तहिक किस तरीके से हैं, या तो वो बेरोज़गार हैं या किसी माजूरी में हैं या फिर कोई उनका कमाने वाला नहीं है। ज़्यादातर हमारे पास यानी कि इनको आप समझें कि 100% जेन्युइन किस्म के वो लोग हैं कि जो काफ़ी मुश्किल और परेशानी में होते हैं। इसके अलावा ये है कि फिर जो हम हेल्थ के हवाले से काम करते हैं तो लोगों के अपने कहने में कहीं ना कहीं किसी का इलाज का मसला है, कहीं ना कहीं मेडिसिन का मसला है। हम ब्लड अपने डोनेशन के ऊपर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। तो ये वो सारी सब अपने माशरे के मसले मसाइल हैं कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब रमज़ान का सिलसिला जो है वो आपको पता है कि शुरू होता है, तो उसमें बहुत सारे कार खैर के काम और अपने राशन के हवाले से सहरी और अफ्तारी के हवाले से बहुत सारे काम अपने जो हैं होते हैं। तो हम पिछले 3-4 सालों से ये काम करते चले आ रहे थे, लेकिन जो कोविड का लॉकडाउन का जो अपने एक दौर जो गुज़रा तो उसमें हमने काफ़ी जो है उसके अंदर मुनज़्ज़म होकर काम किया, और हम कराची का अगर समझे ना एक तरीके से इसको बनाने का भी जो हमें जो है वो एक समझे के एक ज़रूरत पेश आई वो कोविड का लॉकडाउन का ही ज़माना है को आप कह सकते हैं। तो उसमें फिर रमज़ान भी आए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से इस चीज़ों को लेके चल रहे थे, कर रहे थे, और इस दफ़ा थोड़ा सा इस तरीके से कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोविड का अपने कहने में और लॉकडाउन का वो ज़माना तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसको रोज़मर्रा के तौर पे तो लेके चल ही रहे हैं, लेकिन रमज़ान में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों की जो है वो काफ़ी ज़रूरत पेश आती है। तो हमने रमज़ान राशन प्रोग्राम जो है वो हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें अपने लोगों के तावुन से, उनकी इमदाद से हम जो है वो राशन जो है उन मुस्तहिक लोगों तक जो है वो हम पहुंचा रहे हैं। आज क्योंकि एक मुतवक्को है कि आज चांद रात होगी और कल से हमारे रोज़े जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो हमने थोड़ा सा इसमें ये आज हमने थोड़ा सा कोशिश ये करी है कि जितना भी राशन हो सके हम
आज जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचा दें। तो जैसे जैसे राशन आता चला जा रहा है हम आगे उन लोगों तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। सर्विस हमारी अपनी खुद की है कि हम खुद ये राशन लेके आते हैं और हम खुद ही जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग हमारे पास नहीं आते ना हम उनको बुलाते हैं, क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी इतनी अपने सकत नहीं होती है कि वो हमारे पास आएँ और राशन लेके जाएं, तो हम उन तक वो राशन पहुंचाते हैं। तो अभी राशन पैक होता चला जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि बोरों की सूरत में जो है वो बनता चला जा रहा है और ये चलता चला जाएगा और देखें कब तक ये अपनी चीज़ें होती हैं चलती हैं। बस मेरी लोगों से गुजारिश है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस काम में, इस कार्य खैर में जो है वो साथ दें, चाहे वो हमें राशन अगर वो दे रहे हैं तो हमें राशन की सूरत में दे दें, या अगर वो समझते हैं कि ताउन, माली ताउन करना चाह रहे हैं तो उसको माली ताउन के तौर के ऊपर भी जो है वो हमें अपने क्या नाम में दे सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा जो है वो अपने फेसबुक आएगा, यूट्यूब आएगा और हमारा एक अपने यूएन व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी आपके पास आ जाएगा। तो जो लोग भी हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप के नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनके साथ उनको बता देंगे कि वो किस तरीके से हमें जो है वो राशन भिजवा सकते हैं, या हम उनसे राशन कैसे हम खुद भी पिक कर सकते हैं, या अगर किसी किस्म का माली ताउन कर रहे हैं तो वो करें। लेकिन इस चीज़ में ख़ास तौर पे अपने गुजारिश है कि ताउन करें और जितना हो सके उतना ताउन करें, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं कि जो सहरी भी नहीं कर पाते, सहरी करते हैं तो अफ्तारी नहीं कर पाते, अफ्तारी करते तो सहरी नहीं कर पाते। मैंने खुद ने देखा है कि नमक और पानी से जो है वो सहरी हो रही होती है या अफ्तारी हो रही होती है, तो वो लोग भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा हमें इन सारे सब लोगों का जो है वो हमें ख्याल करना है और हमें जो है वो बस कोशिश करनी है कि हम जितना भी जो हो सके अपने तौर पे थोड़ा थोड़ा मिलके जो है वो करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए और हमारी आखरत के लिए और हमारे इस रमज़ान के एक बाबरकत अपने महीना है, इसके जितने हम अपने अच्छा काम करेंगे 70 गुना हमें जो इसका सवाब मिलता है। तो हम इसी चीज़ को लेके वो चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला इस कामयाबी से रमज़ान को गुजारेंगे और फिर 11 महीने इसी तरीके से हम काम करेंगे। हम कराची को सपोर्ट करें जितना हो सके, आप इसकी जो है वो इमदाद करें और जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उसमें करें। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।